छतरपुर में एक जाने माने डॉक्टर का शव संदिग्ध हालत में मिलने से सनसनी फैल गई। घटना सिविल लाइन थाने के लोकनाथपुरम कॉलोनी की है, जहां डॉक्टर नीरज पाठक का शव उनके घर में मिला। जब यह घटना हुई तब डॉक्टर की पत्नी कोरोना का टेस्ट करवाने गई हुई थी। डॉक्टर नीरज पाठक की पत्नी ममता पाठक ने थाने में शिकायत की उनके पति मृत अवस्था में घर में पड़े हैं। पुलिस मौके पर पहुंची तो डॉक्टर का शव मिला। मृतक डॉक्टर की पत्नी ने पुलिस को बताया कि वह कोविड की जांच कराने झांसी गई थी। जब आज वह घर लौटी तो उनके पति मृत अवस्था में मिले। मृतक डॉक्टर की पत्नी महाराजा कॉलेज में प्रोफेसर हैं और दोनों पति पत्नी के बीच 15 साल से घरेलू विवाद चल रहा है। दो दिन पहले मृतक डॉक्टर की प्रोफेसर पत्नी ने सोशल मीडिया पर अपने डॉक्टर पति पर आरोप लगाकर एक पोस्ट डाली थी, जिसमें उन्होंने अपने पति से खतरा बताकर उनके खिलाफ साजिश रचने और पति पर दूसरी महिला से संबंध होने के आरोप लगाए थे। पुलिस इस मामले की अब हर एंगल से जांच कर रही है। डॉक्टर नीरज पाठक की आज सुबह संदिग्ध अवस्था में मृत अवस्था मिले हैं वो, क्योंकि उनकी पत्नी ने ये रिपोर्ट की है। उनके अनुसार ये पिछले 5-6 दिनों से बुखार में थे और कोरोना संदिग्ध लग रहे थे। उनकी वाइफ भी कल झांसी गई थी अपनी जांच कराने के लिए। आज सुबह जब वो लौटी है तो उनको मृत अवस्था मिले हैं, तो उन्होंने उसकी रिपोर्ट थाने पर की है। स्वरूप डॉक्टर मोबाइल में सीसी कैमरा में हुई है। अभी हम लोग ड्राइवर पकड़ो, उसे पूछो, बोलो नहीं डॉक्टर साहब सर गई नहीं है। और हम लड़का से पूछो तो खुद बताओ ना ड्राइवर ने कि लड़का से पूछो कि डॉक्टर साहब कहाँ से, लड़का ने लोड़ी बताओ कहाँ। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।